तो अपना टैटू दिखाइए, आप तस्वीर देखिए, ये हनुमान बेनीवाल का टैटू बनाया है जो कि हर कोई समर्थक हनुमान बेनीवाल के इनको निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बेनीवाल साहब है वो थिंसर से विधायक है और ऐसे अपनी आवाज उठाते रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो तब से लेके मैं उनके वीडियो देखता रहता था। उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होते हुए 2018 आ गया, 2018 में 19 सितंबर को उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, उसमें भी मैं वहाँ शामिल था और उनके प्रति शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। मैं तो देखो शुरू से ही जब से मिला हूँ तब से उनका बड़ा फैन हूँ और उनकी विभक्त आवाज पहले विधानसभा में उठाते थे, अब लोकसभा में उठाते हैं। कोई भी मामला हो, दलित का हो, शोषित का हो, पीड़ित का हो, कोई भी जाति का हो, 36 कौम का, जो भी उनके पास जाता है उनका काम 100% होता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की फैन फॉलोइंग तो आपने जरूर देखी होगी, लाखों में समर्थक उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज हम आपको ऐसे एक फैन से मिलाएंगे, या कहे कि हनुमान बेनीवाल के जबरे फैन से मिलाएंगे, जिसने अपने हाथ पर हनुमान बेनीवाल का टैटू खुदवाया है। अभिनेताओं के समर्थकों की आपने तस्वीरें देखी होगी, वो टैटू जरूर खुदवाते हैं, लेकिन राजनेताओं को कम ही ऐसे समर्थक मिलते हैं, ऐसे कम ही फैन मिलते हैं जो कि उनकी तस्वीर को हूबहू अपने हाथ पर खुदवाते हैं। हमारे साथ हनुमान बेनीवाल के जबरा फैन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह चौधरी, चौमू विधानसभा क्षेत्र, जयपुर। महेंद्र जी, पहले तो अपना टैटू दिखाइए, आप तस्वीर देखिए, ये हनुमान बेनीवाल का टैटू बनाया है जो कि हर कोई समर्थक हनुमान बेनीवाल के इनको निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत ही कम दिखने को मिलता है कि यहाँ पर किसी राजनेताओं को दिल से चाहने वाले यहाँ पर लोग मिलते हैं। मतदान के जरूर, वोट के जरूर, और जब चुनाव होते हैं तब जरूर राजनेताओं को समर्थक याद आते हैं, लेकिन ये समर्थक जबरा है और अलग है, कुछ हटकर है। क्या मन में आया? सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपको जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में बताऊं तो 2017 से ही मैं उनके बारे में जानने लगा हूं। उससे पहले मेरे जो बड़े भाई साहब है भवनलाल, वो क्या नाम, मेरे को वीडियोस में दिखाते रहते थे कि ये बेनीवाल साहब है वो थिंसर से विधायक है और ऐसे अपनी आवाज उठाते रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो तब से लेके मैं उनके वीडियो देखता रहता था। उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होते हुए 2018 आ गया, 2018 में 19 सितंबर को उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, उसमें भी मैं वहाँ शामिल था और उनके प्रति शुरू से ही मेरा लगाव रहा है। जब से उनको एक बार शादी समारोह में देखा है तब से उनके प्रति मेरा लगाव रहा है। कितने रुपए लगे, कब बनवाया टैटू? इसके कम से कम 3,000 रुपए लगे हैं और होली के दिन मैंने इस बार ही बनवाया। काफी समय से मैं इसकी कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम नहीं निकाल पाया था, तो वो एक शुभ दिन था होली का, उसी दिन मैंने बनवाया। इसी बार हनुमान बेनीवाल से मुलाकात हुई? हनुमान बेनीवाल से मैं कम से कम 10 बार मिल चुका हूँ। इसके बाद में जब टैटू बनवाया था होली के दिन, उसके दूसरे दिन जाके भी हम मुलाकात करके आए हैं। उनको दिखाया टैटू? उनको दिखाया टैटू, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने गले लगा लिया टैटू देख के। कई बार ये होता है कि जो दूसरे समर्थक हो चाहे किसी राजनेता को, वो बहुत कम दिखते हैं कि दिल से चाहने वाला किसी नेता को, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान राम के दिल में हनुमान जी बसते थे, उसी तरह हनुमान के दिल में आप, या आपके दिल में हनुमान? मेरे दिल में हनुमान। अच्छा, हाँ, और उनके दिल में बस गया होगा। अब तो काफी ट्रेंड चल रहा है, कब से देखा है लोगों ने तो उसके बाद में। लेकिन दूसरे राजनेता हो चाहे दूसरे राजनेताओं के समर्थक हो, वो हनुमान बेनीवाल पर फफ्तियां कसते हैं? नहीं नहीं, वो गलत है। अभी उन्होंने एक बार पास में जाके या फेस टू फेस मुलाकात नहीं की होगी, उसके बाद में। मैं तो देखो शुरू से ही जब से मिला हूँ तब से उनका बड़ा फैन हूँ और उनकी विभक्त आवाज पहले विधानसभा में उठाते थे, अब लोकसभा में उठाते हैं। कोई भी मामला हो, दलित का हो, शोषित का हो, पीड़ित का हो, कोई भी जाति का हो, 36 कौम का, जो भी उनके पास जाता है उनका काम 100% होता है। RLP के धरना प्रदर्शन शामिल होते हो आप? धरना प्रदर्शन में मैं गया हूँ, जोधपुर जो अग्निवीर को लेके जो बड़ी वहाँ रैली हुई थी उसमें गया हूँ। उससे पहले जयपुर में जिस दिन पार्टी की घोषणा हुई थी 29 अक्टूबर को, उस दिन भी मैं गया था। उसके बाद में लास्ट टाइम जयपुर में अपनी थी, उसमें भी मैं आया था। हर जगह जाता हूँ। दूसरे समर्थक फोटो खिंचवाते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं, जब लास्ट टाइम में भी नागौर गया था तो वहाँ भी बहुत फैन थे, उन्होंने जब से टैटू देखा है तो साथ में आजकल बहुत मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं कि हमारे को भी टैटू बनवाना है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, कहाँ पर देखना चाहते हो आप RLP को और हनुमान बेनीवाल को? देखो मेरे तो 2018 से इच्छा थी कि 2018 में ये मिशन कंप्लीट कर ले, लेकिन उस टाइम हमारे को टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि 29 अक्टूबर को अपनी क्या नाम ये पार्टी की घोषणा हुई थी और उसके 20 दिन बाद में वोट थे, तो उतनी तैयारी भी नहीं थी। उसके बाद में भी हमने 3 विधायक हमारे RLP के बने, 2 जगह से जायल और क्या नाम बायतू से सेकंड स्थान पे रहे। उसके अलावा 16 जगह ऐसी थी जहाँ से 30,000 से ज्यादा वोट हमने लिए, और इस बार तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
क्या लगता है तीसरा मोर्चा राजस्थान में सफल हो पाएगा? तीसरा मोर्चा केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो यहाँ पे सफल हो पाएगी। अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था, आप वाले भी आके गए हैं, आवेश भी खुद आके गया है, लेकिन वो मुश्किल है। यहाँ पे केवल हनुमान बेनीवाल, क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो दलित शोषित हर की आवाज उठाता है, और आज उसके पीछे युवा, गुजरा, किसान और युवा, ये सबसे ज्यादा है। आप क्या चाहते हैं राजस्थान में किसकी सरकार आए? राजस्थान में सरकार हम आरएलपी की देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री हनुमान जी बेनीवाल, जो हमारे आदर्श हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल के जबरा फैन हैं और ये फैन चर्चाओं में हैं लगातार। जो दूसरे समर्थक हैं वो इनके साथ फोटो भी खिंचाते और कहीं बार, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि हनुमान बेनीवाल से इनकी मुलाकात हुई है, खुद बेनीवाल ने इनकी तारीफ की और उनको प्रेरित किया है कि जो भी आरएलपी के धरने प्रदर्शन हो उसमें शामिल हो, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें, और उसको लेकर कहीं ना कहीं आज ये फैन, जबरा फैन चर्चाओं में। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।